लेट्स डिस्कस रेसोर्सिनॉल दैट इज 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब रेसोर्सिनॉल भी डाइहाइड्रिक फेनॉल है और इसको हम पोजीशन आइसोमर मान सकते हैं कैटेचॉल का। अब रेसोर्सिनॉल बनाने का तरीका हम देखेंगे। लेट्स सी प्रिपरेशन ऑफ रेसोर्सिनॉल। अब देखिए मेजोरिटीली यानी लार्जली जो हम लोग रेसोर्सिनॉल बनाते हैं दैट इज फ्रॉम 1,3 बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड। सो फ्रॉम 1,3 बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड, इसको कुछ इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। दिस इज द बेंजीन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। अब इसको हमें क्या करना होगा, इट इज टू बी फ्यूज्ड विद NaOH। सो NaOH के साथ इसको फ्यूज करो। ऐसा करने से वी कैन हैव एन इंटरमीडिएट। सो दिस इज आवर इंटरमीडिएट सो ऑब्टेन्ड। नाउ इंटरमीडिएट इज टू बी एसिडिफाइड बाय यूजिंग HCl। ऐसा करने से हम लोगों को रेसोर्सिनॉल मिलेगा। सो दिस इज नन अदर देन रेसोर्सिनॉल। सो दिस इज द वे टू ऑब्टेन रेसोर्सिनॉल। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ रेसोर्सिनॉल। अब सबसे पहली बात ये याद रखें, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सोल्यूबल इन वाटर। सो इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में डिसॉल्व करेगा। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज अफेक्टेड ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। याद रखे, सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 110 डिग्री सेल्सियस एंड अफेक्टेड ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। याद रखें, सो एयर और लाइट को अगर ये एक्सपोज होता है तो इट इज गेट अफेक्टेड। नाउ अगर एक्वियस FeCl3 के साथ हम रेसोर्सिनॉल को ट्रीट करते हैं तो ये वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स देगा। सो इट गिव्स वायलेट कलरेशन विद न्यूट्रल FeCl3 दैट इज फेरिक क्लोराइड। उसके बाद ये बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। इट कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एटसेट्रा। सो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखे, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दस रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट उसके बाद फेलिंग्स सॉल्यूशन एटसेट्रा, इनको रिड्यूस करने का काम ये कर सकता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट टॉटोमराइजेस, ये टॉटोमेरिज्म शो करता है, याद रखना। सो इट शोज टॉटोमेरिज्म। अब इसके टॉटोमेरिक फॉर्म्स हम देखेंगे। रेसोर्सिनॉल जो है ये डाई इनॉल फॉर्म है, याद रखे। सो इट एग्जिस्ट एज दिस, दिस इज डाई इनॉल फॉर्म। अब इसका जो टॉटोमर होगा दैट कैन बी गिवन इन दिस मैनर विच हैपन्स टू बी द डाई कीटो फॉर्म। सो दिस इज द डाई कीटो फॉर्म। सो इन दिस मैनर इट वुड अंडरगो टॉटोमेरिज्म। अब देखिए ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम रेसोर्सिनॉल को ट्रीट करते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो रेसोर्सिनॉल मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। सो
it gives 2,4,6 tribromo resorcinol with bromine water, with bromine water. अब इसको देखिए हम कैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं. So this is our resorcinol. When allowed to react with bromine water, so this is an electrophilic substitution. याद रखें. So we can have this product. ये हमारा product होगा जिसे हम कह सकते हैं 2,4,6 tribromo resorcinol with the departure of HBr. So this is 2,4,6 tribromo resorcinol. ये चीज याद रखें. When we allow resorcinol to react with bromine water. दूसरी बात, फैलिक अनहाइड्राइड के साथ अगर हम resorcinol को ट्रीट करें तो हमें फ्लूरोसीन मिलता है. फ्लूरोसीन डाई है, याद रखें. सो resorcinol react with फैलिक अनहाइड्राइड. फैलिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू गिव फ्लूरोसिन. हम लोगों को फ्लूरोसिन मिलेगा जो इंडिकेटर भी है और डाई भी है. अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं. सो फैलिक अनहाइड्राइड कैन बी शोन इन दिस मैनर. हम लोग फैलिक अनहाइड्राइड को कुछ इस तरह से बता सकते हैं. सो दिस इज द फैलिक अनहाइड्राइड. अब इस फैलिक अनहाइड्राइड के साथ हम लोग किसको ट्रीट करेंगे? रेसोर्सिनॉल को. सो रेसोर्सिनॉल कैन बी गिवन इन दिस मैनर. एक चीज देखें. सो दिस इज द रेसोर्सिनॉल. अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसका कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे. सो दिस कैन बी शोन इन दिस मैनर. सो दिस इज रेसोर्सिनॉल एज वेल. अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग इसको हीट करेंगे. अब देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकाल के रखते हैं ताकि आपके समझ में आए. सो यहाँ पे देखिए वाटर का डिपार्चर कुछ ऐसे होगा. सो वाटर के डिपार्चर के बाद हमें जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है उसको हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं? सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर. जो फ्लूरोसिन का स्ट्रक्चर बनाएगा आप देख सकते हैं. सो फ्लूरोसिन सो ऑब्टेन्ड कैन बी गिवन इन दिस मैनर. कुछ इस तरह से हम इसे बता सकते हैं, याद रखें. सो फ्लूरोसिन इज ऑब्टेन्ड, नो डाउट, उसे हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे. अब यहाँ पे रिंग्स कनेक्ट होंगे ऐसे. सो विद द डिपार्चर ऑफ वाटर, सो दिस इज नन अदर देन द फ्लूरोसिन. सो फ्लूरोसिन एज एन इंडिकेटर हम लोग यूज कर सकते हैं. सॉरी, ये जो कनेक्शन हमने बताया यहाँ पे, जैसे यहाँ के हाइड्रोजन निकलेंगे तो डेफिनेटली कनेक्शन भी यहाँ पे होगा ऐसे, ये याद रखने की जरूरत है. सो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूरोसिन. सो इस प्रकार से हमें फ्लूरोसिन मिलेगा. अब अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन कराने के बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, क्या बोलते हैं उसको, रेसोर्सिनॉल. सो ऑन नाइट्रेशन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर इट गिव्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रो रेसोर्सिनॉल. जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है.
इसको कुछ इस तरह से हम लोग शो कर सकेंगे। तो दिस इज द रिसॉर्सिनॉल व्हेन इट इज हीटेड विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दैट इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा करने से इफेक्टिव तरीके से नाइट्रेशन होगा और नाइट्रेशन होने के बाद हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज लाइकली टू बी दिस, सो विद द डिपार्चर ऑफ वाटर। सो दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रो रिसॉर्सिनॉल, जिसको हम एक्सप्लोजिव के तहत यूज कर सकते हैं। नाउ लास्टली यूजेस, यूजेस में सबसे पहले बात ये याद रखो, इसको एंटीसेप्टिक हम यूज कर सकते हैं एज एन एंटीसेप्टिक एंड इन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, इन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। सो ड्रग इंडस्ट्री में इसका ज्यादा उपयोग होता है। एक्जिमा के अगेंस्ट ट्रीटमेंट के लिए हम रिसॉर्सिनॉल यूज करेंगे। सो इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एक्जिमा, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एक्जिमा। एक्जिमा यानी खाज, जिसको हम बोलते हैं खुजली। उसके बाद ये हमारा एक्सप्लोजिव मटेरियल है जो रिसॉर्सिनॉल से डिराइव हो सकता है। सो इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ रिसॉर्सिनॉल आल्सो। सो इट वाज ऑल अबाउट रिसॉर्सिनॉल।